ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग की ईद की तैयारियाँ भी जोरों शोर से जारी और सारी होंगी। सो आज जन्नत आप लोगों को दिखाएगी कि उसने ईद के लिए क्या क्या शॉपिंग करी है। सो एक एक करके वो अपनी सारी ड्रेसेस जो हैं और सारी जितनी भी उसने दूसरी चीज़ें जो हैं परचेज करी हैं, तो वो आपको सारी वो दिखाने जा रही हैं। सो कम ऑन, और आप लोग देखिए, और मशीन अभी तक इधर ही पड़ी हुई है, आपको थोड़ी बहुत दिखाई दे रही होगी। तो अभी मैं फारिग हुई हूँ और रूम की सफाई वगैरह करी है, तो फिर मैंने सोचा कि आज का दिन वेस्ट नहीं करते, क्योंकि फिर आगे हम लोग और सारी वीडियोज़ बनाएंगे। सो चले आपको जन्नत अभी जो है ना वन वन करके अपने शॉपिंग की जो ड्रेसेस उसने परचेज करी है वो आपको दिखाती है। तो चले ड्रेस नंबर वन। अच्छा जी, सो दिस इज द ड्रेस नंबर टू, और नेट का फुल बना हुआ है, ग्लिटरी नेट है, नीचे कैन कैन लगी हुई है, और बहुत ही खूबसूरत सा ये ड्रेस है। और ये भी जन्नत को जो है ना बहुत पसंद आया, तो फिर जो है ना जन्नत के बाबा ने कहा कि चले ये इसको ले देते हैं, ये फर्स्ट डे अगर वेयर करती है तो देखते हैं कि कौन से दिन जो है वो कौन सा ड्रेस चलेगा। एंड यस, दिस इज द बैक साइड, बैक भी बहुत खूबसूरत है, और ये इसको पहनते हुए बहुत प्यारा भी लग रहा था। सो फिर हमने सोचा कि चले ये बाय कर लेते हैं, तो हमने ये ड्रेस नंबर टू बाय की। अब चलते हैं ड्रेस नंबर थ्री की तरफ। तो जी, सो ये है ड्रेस नंबर टू, और ड्रेस नंबर टू जो है वो कुछ इस तरह का है। ये इसके नीचे इस तरह की कलरफुल फ्रिल लगी हुई है, ये आपको दिखाई दे रही होगी, और नीचे का जो यहाँ पे इसका है रेड कलर का, ये टिशू का कपड़ा है इस तरह से, और साथ में इस तरह ये शेंगाईस को कहते हैं या क्या कहते हैं, एम्बोस्ड काइंड कपड़ा है, और साथ में ये इस तरह से सिलाई एक इस साइड पे इस तरह से एंकर थ्रेड की हुई हुई है, और एक इस तरह से, और इस तरह का ये बना हुआ है बटन टाई। ठीक है, ये जो है ये गिफ्ट आया है, ठीक है, लेकिन मैं दिखाना चाह रही थी आपको, सो इस वजह से मैं दिखा रही हूँ कि अगर आप लोग कस्टम मेड इसको टेलर से बना सकते हैं तो लाजमी बनाएंगे, क्योंकि ये इतना मुश्किल नहीं है। सो ये ड्रेस नंबर टू है। अच्छा जी, सो ये है ड्रेस नंबर थ्री, और बिल्कुल सिंपल सा है। इसको परचेज करने का मकसद सिर्फ यही है कि अगर बेबी को, क्योंकि गर्मी है बहुत ज़्यादा, तो अगर बेबी को लग रही हो गर्मी, तो इसको फटाफट जो है ना ये पहनाया जाए। अगर हम लोग वो हैवी ड्रेस जो फर्स्ट नंबर पे मैंने दिखाया आपको फ्रॉक, अगर वो हम नहीं पहना सके समहाउ, तो फिर सेकेंड ऑप्शन हमारे पास होना चाहिए। सो ये सिंपल सा ड्रेस है, कार्टर्स से परचेज किया है, ठीक है, कार्टर्स की अपनी आउटलेट यहाँ पे है। बहुत ही खूबसूरत ये बनी हुई है, कॉटन लॉन का कपड़ा है, और साथ में ये इसके ऊपर गोल्डन कॉपर सा जो है, नहीं ये सिल्वरिश गोल्डनिश कुछ इस तरह का ही इसके ऊपर पेस्ट हुआ है, और इस तरह से ही सिंपल ये बना हुआ है। ठीक है, मैं दीवार पे लटका के आपको दिखा रही हूँ ताकि आप लोग कंप्लीट इसकी जो है ना डिटेल्स देख सकें। सो दिस इज ड्रेस नंबर थ्री। अच्छा जी, ये है फोर्थ नंबर ड्रेस, जो कि मेरी मम्मा ने बना के भेजा है, साथ में इसके लिए मैंने नेकलेस परचेज किया, और इस तरह का ये कुछ ड्रेस बना हुआ है। ये मेरे ख्याल में उनके सूट से कपड़ा बच गया था, तो उन्होंने फिर अलकरम का मेरे ख्याल में था उनका, ईद का है ड्रेस उनका, तो उन्होंने फिर इसको भी बना के इससे भेजा है, और बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मुझे इस तरह के ड्रेसेस जो है ना ज़्यादा ये कंफर्टेबल रहती है, तो इसको जो है ना मैं पहनाऊँगी। अगर मैं वो वाले हैवी ड्रेसेस दो दिन, फर्स्ट दो दिन उसको अगर मैं बिजी हुई और ना पहना सकी, तो फिर मैं ये कंफर्टेबल ड्रेसेस इसको पहनाऊँगी। सो ये सिंपल सा एक फ्रॉक टाइप बना हुआ है, इसकी बैक मैं आपको दिखा देती हूँ। बैक पे इस तरह से एक बटन है, और फ्रिल वाले आस्तीन, बेल्ट लगी हुई है, और सिंपल सी फ्रॉक। और ये है फाइनल ड्रेस, और ये भी सिंपल सा लॉन का कपड़ा है, लेकिन थोड़ा सा ग्लिटरी है, और ये ड्रेस जो है ये मैंने खुद स्टिच किया है, ठीक है, और बस थोड़ा सा जो है ना इधर उधर से कॉपी कॉपी करा के तो मैंने स्टिच कर लिया है, इतना खूबसूरत नहीं बना, लेकिन चले काम चलाऊ है, चल जाएगा काम। बस मैं प्यार से अपनी बेटी के लिए कुछ ना कुछ बनाना चाह रही थी, तो इसको बनाने की यही वजह है। और अब जन्नत जाके आप लोग को दिखाएगी जन्नत के शूज। सो चलें देखते हैं कि जन्नत के शूज कैसे हैं। सो लेट्स सी।
ये मैंने इसके लिए शूज़ परचेज करे हैं ताकि इसके हर सूट के साथ ये चल जाए, ठीक है। बहुत ही खूबसूरत हैं, बहुत ही प्यारे हैं। किसी भी चीज़ की अगर आपको कीमत या कहाँ से मैंने परचेज़ किए हैं पता करानी है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिए, मैं तब आप लोग को बताऊँगी, ठीक है। सो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारे। और थोड़ी बहुत ज्वेलरी परचेज़ की है वो भी मैं दिखा देती हूँ। अच्छा जी, और ये एक अदद क्राउन परचेज़ किया, ठीक है। और साथ में ये बैंगल्स हैं, बहुत प्यारी बैंगल्स हैं, बहुत ज़्यादा प्यारी। फ्रेंड है ना, ये जो मेरी मम्मा ने सूट भेजा है ये भाभी ने उसके साथ का मैचिंग ये करके भिजवाया है। सो थैंक यू सो मच जिन्होंने चीज़ें भिजवाई, जिन्होंने बनाई, और थैंक यू सो मच आप लोग का देखने का। आई एम श्योर के वीडियो आप लोग को पसंद आ रही होगी, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा, और मैं आप लोगों से मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। और ठीक है, लाइक बाय।